सही मायने में अपग्रेड हो रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मुंबई मेट्रो का नया कोच है और ये जो ट्रेन दौड़ेगी पटरियों पर दौड़ेगी, चालक रहित ट्रेन होगी, यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन होगी। पहली बार मुंबई में मेट्रो जो दौड़ेगी वो चालक रहित दौड़ेगी। इसके पहले 11 किलोमीटर मुंबई में मेट्रो दौड़ती थी, लेकिन दो और लाइन्स मुंबई में तकरीबन 38 किलोमीटर की लाइन्स जो हैं वो दौड़ेंगी, दहिसर से अंधेरी और दहिसर से डीएन नगर तक। तो मैं आपको ये ट्रेन दिखा रहा हूँ, ये वो केबिन है जहाँ आप अमूमन ड्राइवर्स देखते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन है BEML ने बनाया है, इसे मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। ये ड्राइवरलेस ट्रेन है, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं रहेगा। और आपको मैं अब अंदर के कोचेस दिखा दूँ। ऐसे 6 कोचेस जो हैं वो फिलहाल मुंबई पहुँच चुके हैं, मेट्रो लाइन 2 और मेट्रो लाइन 7 दोनों मई के महीने से पटरी पर दौड़ेगी। BEML ने इसे खास तौर पर मुंबई मेट्रो के लिए डिजाइन किया और ऐसे 576 कोचेस के ऑर्डर भी MMRDA के तरफ से दे दिए गए हैं, क्योंकि 180 किलोमीटर में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। 2022 तक 120 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ने भी लगेगी। तो इस कोच के बारे में बता दें, बेहद खास है, CCTV कैमरा लगा हुआ है इस कोच में, आपको बता दें, और पूरी बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील की बॉडी है। साथ ही ये जो आपातकालीन दूर ध्वनि, क्योंकि ये ड्राइवरलेस ट्रेन होगा, इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, तो ऐसे में अगर कोई कमूटर, कोई भी पैसेंजर को कोई दिक्कत आती है तो इस आपातकालीन दूर ध्वनि से वो बात कर सकता है, थांबा वेट करा सकता है, कॉल टॉक कर सकता है। तो ये इसमें सुविधा दी गई है इस ट्रेन में। साथ ही मोबाइल चार्जिंग की आपकी सुविधा इस ट्रेन में मिलेगी। यहाँ पर आपको USB से आप चार्ज कर सकते हैं और नॉर्मल चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और भी एक बड़ी खासियत इस ट्रेन में आपको बता दूँ कि जो साइकिल से जो लोग सवारी करते हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है, साइकिल लेके सीधे ट्रेन में आ सकते हैं। ऐसी तस्वीरें इससे पहले जो है आपने विदेशों में देखी होगी, विदेशों में ट्रेनों में इस तरीके की व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब भारत में भी जो ट्रेनें दौड़ेंगी, खास करके मुंबई में जो ट्रेन दौड़ेगी उसमें भी वे इंतज़ाम है। आप साइकिल लेके सीधे ट्रेन के अंदर आ सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये कोचेज जो हैं वो बनाए गए हैं, वो सारी सुविधाएं इसमें हैं, चाहे यात्री सुरक्षा से संबंधित हों या एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित हों, चाहे लाइटिंग हो, एयर कंडीशनिंग हो, वेंटिलेशन हो, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर सिस्टम हो, अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन हो, बिना ड्राइवर के भी ये ट्रेन चल सकती है। तो वो सारी सुविधाएं जो दुनिया की किसी भी मॉडर्न मेट्रो में हो सकती हैं, वो सारी सुविधाएं हैं। और जहां तक अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का है कि उसमें हम पैसेंजर के कंफर्ट लेवल और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए धीरे धीरे पहले ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाएंगे, और हो सकता है कुछ दिनों में उसको अनअटेंडेड UTO बिना ड्राइवर के भी चलाए। पर कोच कैपेसिटी लगभग सिटिंग और स्टैंडिंग मिला के 300 की लगभग रहेगी, और वो नॉन पीक पीक को देखते हुए कम ज़्यादा हो सकती है। और अभी इनिशियली इसको हमको 6 डब्बों से चलाना है, 6 कार हैं, लेकिन हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे सिग्नलिंग की स्पेसिंग हो, या पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो, वो 8 कार के हिसाब से है। तो धीरे धीरे वो 6 कार से इसको 8 कार भी ऑगमेंट किया जा सकता है। मई महीने से मुंबईकरों के लिए ये उपलब्ध होंगे, वो इसमें सफ़र कर पाएंगे, अंधेरी से DN नगर, अंधेरी से दहिसर और दहिसर से DN नगर, दो मेट्रो लाइंस जो हैं वो पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी। मार्च महीने से ट्रायल्स जो हैं वो इन ट्रेन्स का शुरू हो जाएंगे, और ऐसे 576 कोचेज, तकरीबन 450 करोड़ रुपए जो हैं उस पर खर्च किए जाएंगे। 576 ऐसे कोचेज जो हैं वो मुंबई में आएंगे। 180 किलोमीटर का मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। 2022 तक तकरीबन 120 किलोमीटर जो है वो मुंबई में मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। तो मुंबई में सबसे जो बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, उससे निजात दिलाएगी ये मेट्रो। साथ ही ये नया नवेला जो आधुनिक तकनीक से लैस जो मेट्रो ट्रेन है वो मुंबईकरों के लिए के प्रवास को और भी आनंददायक बनाएगा। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।